26/6/2018 की घटना है। उक्त दिनांक को बच्ची शाम को बच्ची का अपहरण आरोपीगण ने किया था और लक्ष्मण दरवाजे के पास झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कृत किया था और मरा हुआ समझकर उसको छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 8 साल की बच्ची के रेप के मामले में फास्टैग कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला 26 जून का है, जब इरफान और आसिफ नाम के दो लोगों ने स्कूल से बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने इस मामले में मात्र 56 दिनों में ट्रायल पूरा कर आरोपियों की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इस मामले में 15 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ने वारदात को लगभग 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया था और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का चेहरा नहीं बल्कि दो अहम सुरागों की भूमिका सबसे ज्यादा रही थी और वो आरोपी के जूते और हाथ में बंधा काला धागा था। फास्टैग कोर्ट के इस मामले को देखकर ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को सबक मिला है। इंदौर से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।